स्कूल बने हैं और हमें बहुत गर्व है। इनको प्रॉब्लम हो रही है, अब ये कह रहे हैं इतने कमरे क्यों बना दिए, इतने बढ़िया स्कूल क्यों बना दिए, इतनी बढ़िया दीवारें क्यों बना दी, इतनी बढ़िया गैलरीज क्यों बना दी। पहले ये देखने को नहीं मिलता था, सरकारी स्कूलों का मतलब होता था रोती हुई बिल्डिंग, टूटी फूटी बिल्डिंग। और ये मान के चलते हैं कि गरीब आदमी का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा तो उन्हीं टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ता रहे और इनके बच्चे और इनके लोगों के बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते रहें। तो हमने कहा भाई आम आदमी का बच्चा भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, तो हमने इतने शानदार स्कूल बनाए और हमने देखो ठोक के देखो बनाए, अच्छे से बनाए, कोई मतलब गर्व है हमें इस बात पे। सर आप कमरों की बात कर रहे हैं कि अच्छे कमरे बनाए हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि जहां एक कमरे पे 5 लाख खर्च होने चाहिए थे वहां पर 30 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए, ऐसा क्या हुआ सर, सच क्या? बीजेपी कमरे बनवाती है तो 5 लाख का खर्च करती होगी, पर 5 लाख में भी 1 लाख का कमरा बनवाती है, वैसे 5 लाख भी खा जाती है, उसमें तबेले बनाती है। हमने स्कूल बनाया, अब इस स्कूल में आपने देखा है कमरा, इन कमरों को बनवाने पे जितना पैसा खर्च होगा हम तो खर्च करेंगे, अगर 50 लाख 1 करोड़ भी होता होगा करेंगे, वैसे तो ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्कूल बन गए, इनकी प्रॉब्लम ये है ज़्यादा क्यों बनवा दिए, बार बार ये कह रहे हैं ज़्यादा क्यों बनवा दिए, टॉयलेट्स ज़्यादा क्यों बनवा दिए, स्कूल कमरे ज़्यादा क्यों बनवा दिए, कमरे ज़्यादा। अब ये है देखो, अब इसकी कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, इस गैलरी को आप जिस गैलरी में आप खड़े हो, इतनी शानदार गैलरी आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में दिखती है, ये सारी चीज़ें लगवाई हैं, ये तो अच्छा बनाओगे तो पैसा खर्च होगा। अब ये कह रहे हैं इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, गरीब आदमी के बच्चे तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, रोते धोते स्कूलों में हम भी तो पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ा लो ऐसे ही। टॉयलेट्स पर भी सियासत बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 194 स्कूलों में 1214 टॉयलेट्स की ज़रूरत नहीं थी, तो इतनी टॉयलेट्स क्यों बना दी सर? अब ये इनकी बुद्धि ख़राब है, ये बच्चियाँ आ रही हैं, आप दिखाओ, देखो ये बच्ची है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, अब ये महिला टीचर हैं, इनको 8 घंटे के लिए हम स्कूल बुलाते हैं, इनको यहाँ साफ़ सुथरा टॉयलेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको देखोगे हर क्लास में लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, तो इनको साफ़ सुथरे टॉयलेट चाहिए और ज़्यादा चाहिए, हाइजीन भी कोई इशू होता है। आप मतलब पहले जो ज़माना था कि एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग और एक कोने में किसी जगह जाके एक वो कर दो, टूटा सा टॉयलेट होता है सड़ा सा, मैं गया हूँ इनके स्कूलों में, गुजरात में भी मैंने देखा है, इतने सड़े हुए टॉयलेट बनाते हैं, हमने खूब बनाए, अब ये कह रहे हैं ज़्यादा टॉयलेट क्यों बनवा दिए, यार ये कोई बात है? मतलब 4 फ्लोर के स्कूल में आप देखो वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे टॉयलेट है, क्यों नहीं बने टॉयलेट और शानदार टॉयलेट बनवाएंगे? तभी तो बच्चे, अब लड़की आती है, महिलाएँ आती हैं, बच्चे आते हैं, सबकी डिग्निटी है यार, टॉयलेट वगैरह साफ़ सुथरे देना हमारी जिम्मेदारी है, इसमें इनको शर्म आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है। सर टॉयलेट्स की बात हो गई, कमरों की बात हो गई, आप लोगों पर ये भी आरोप लग रहा है।